एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो मैं स्वागत करती हूँ अपने ऑथेंटिक कुकिंग में आप लोग का। तो मैं आज एक कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर में सब्जी नहीं होता है और हम बहुत परेशान रहते हैं, क्या करें नहीं करें। तो इस उस सिचुएशन में इस सब्जी को आप बहुत ईजिली बना सकते हैं, फटाफट, टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत टेस्ट में तो भरपूर है। तो यहाँ पर हम लिए हैं मसूर के दाल, जो देख सकते हैं हमने 20 मिनट पहले इसे धोकर भिंगो के रख दिया है पानी में। तो यहाँ पे ली हूँ कुछ प्याज, टमाटर और ग्रीन चिली। तो पहले इसे पेस्ट कर लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो दाल था उसे हम अच्छे से पेस्ट कर लिए हैं। तो बहुत महीन या बहुत पेस्ट नहीं किए हैं, थोड़ी सी दरदरी रखी हैं। और बाकी जो हमारा ये था प्याज, टमाटर, ये सब हमने काट लिया है। दो प्याज हमने ग्रेवी के लिए रखा है, छोटे छोटे टुकड़े में कट किए हैं, और दो तीन प्याज को लंबा स्लाइस में। यहीं पे ग्रीन चिली भी कट कर ली हूँ और टमाटर भी। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे बनाना है। तो ये जो लंबे स्लाइस वाला 3 प्याज था इसे इसमें डाल दूँगी और ग्रीन चिली भी साथ में डालूंगी थोड़ी सी नमक। करीब 1/2 चम्मच अजवाइन और 1/2 चम्मच से थोड़ी सी कम है ये मंगरैल, काला जीरा मंगरैल। मैं हल्दी पाउडर भी डाल देती हूँ थोड़ी सी। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो मैं आपको दाल को दिखाना भूल गई थी, देखिए बहुत महीन नहीं है, थोड़ी सी मोटी है। तो हमारा जो दाल था, प्याज था, सब अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो चलिए कढ़ाई की तरफ देख लेती हूँ। तो हमारा कढ़ाई है जो अच्छे से पानी सूख गया है और गर्म हो चुका है। रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, रिफाइंड में भी। तो हम यहाँ पे सरसों के तेल डाले हैं, तो इसे गर्म होने देती हूँ। साइज पकौड़ा के आप अपने हिसाब से रखें, मतलब जितना बड़ा छोटा जैसे आप चाहते हैं वैसे। और फ्लेम को मीडियम रखी हूँ, बहुत हाई ना रखें, नहीं तो हमारा पकौड़ा जो है वो जल जाएगा। तो इसे पलट देती हूँ, चेक करती हूँ एक तरफ हो चुका है। तो देखिए हमारा जो पकौड़ा है वो अच्छे से ब्राउन हो चुका, मतलब अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो मैं एक एक करके इस पर निकाल दूंगी। देखिए हमारा पकौड़ा कितने अच्छे से हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे ये पे निकाल दी हूँ टिश्यू पेपर पे। देखिए हमारा 1 कप दाल में कितने सारे पकौड़े हुए हैं, ये सब देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो सेम कढ़ाई में हमारा तेल भी है, तो मैं इसी कढ़ाई में भी ग्रेवी बनाऊंगी। तो इसमें मैं डाल देती हूँ जीरा 1 चम्मच, छोटी चम्मच। थोड़ी सी हमने यहाँ पे दालचीनी के टुकड़ा लिया है 1 पीस, इसे भी डाल देती हूँ। 1 तेज़पत्ता ली हूँ, तेज़पत्ता को भी डाल देती हूँ। 2 लाल सूखी मिर्च, इसे भी डाल देती हूँ। इन सारी चीज़ों को फ्राई होने देती हूँ 1 मिनट। इसमें डालूंगी प्याज,
एक मिनट यहाँ पे हो चुका है अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई होते हुए, तो मैं यहाँ पे डालूंगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच चिली पाउडर, मतलब मिर्चा पाउडर एक चम्मच और थोड़ी सी, मतलब डेढ़ चम्मच से कम है। इन सारी मसालों को डालने के बाद मैं थोड़ी सी पानी भी डालूंगी। फिर से यहाँ पे हमें टमाटर जो था मेरा वो भी डाल देती हूँ। तो देखिए हमें यहीं पे टमाटर को भी डाल दिए हैं, इसमें डाल देती हूँ नमक। नमक अपने अनुसार ही डालें, इसे फिर से खोल कर एक बार चेक कर लेती हूँ। देखिए एक गिलास हम इसमें पानी डाल रहे हैं, एक गिलास हमने पहले डाला और एक गिलास बाद में डाल रही हूँ। तो टोटल हम दो गिलास पानी डाले हैं, तो इसमें एक बॉयल आने देती हूँ, उबाल आने देती हूँ गरम मसाला पाउडर करीब एक चम्मच, छोटी चम्मच है। तो हमारा यहाँ पे टोटल गरम मसाला पाउडर डाल के हमने यहाँ पे टोटल दो मिनट पकाया है। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी ये जो पकौड़ा सब था, अब जितना चाहे उतना ही पकौड़ा डालें। तो हमने आधा डाला और आधा रख लियो, क्योंकि सूखा पकौड़ा भी खाना हम लोग को बहुत पसंद है। एक से दो मिनट इसे और पकाऊंगी। तो देखिए हमारा यहाँ पे टोटल दो मिनट हो चुका है पकते हुए। तो मैं गैस के फ्लेम यहाँ पे ऑफ कर देती हूँ। अगर यहीं पे आपके पास धनिया पत्ती होगा तो आप डाल सकते हैं, मेरे पास ख़त्म हो चुका है इसलिए मैंने नहीं डाल रही हूँ, तो आपके पास होगा तब ज़रूर डालें। और पतला ग्रेवी है, हम दिखा देते हैं आपको, पतला ग्रेवी है तो आप इसे, ये ऑटोमेटिक बाद में, ये जो पकौड़ा है वो बहुत पानी चूसता है तो ये ऑटोमेटिक बाद में पानी ये ले लेगा, इसलिए अगर अभी आप सुखा देंगे जो ग्रेवी है जो पानी है तो बाद में आपको बहुत सब्जी ठीक हो जाएगा, इसलिए इसे इतना ही पतला रखें ताकि ये बाद में ऑटोमेटिक ले लेगा। मैं यहाँ पे गैस के फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और चलिए इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। बहुत स्वादिष्ट लगता है, बहुत टेस्टी है और बनाने में भी बहुत आसान है, बनाए भी बहुत टेस्टी लगता है।